हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ की एक सुंदर पोम फादर टू सन की सेंट्रल आइडिया को पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखें सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव। द पोम फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स इज अ स्ट्रांग इमोशनल पोम। एलिजाबेथ जेनिंग्स द्वारा लिखित कविता फादर टू सन एक सशक्त भावनात्मक कविता है। दिस पोम शोज द नीड फॉर एन आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स। यह कविता बच्चों और उनके माता पिता के बीच एक आदर्श रिश्ते की आवश्यकता को दर्शाती है। इट डिपिक्ट्स द जेनरेशन गैप बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। यह एक पिता और उसके बेटे के बीच पीढ़ी के अंतर को दर्शाती है। ऑल्दो दे लिव अंडर द सेम रूफ, हालांकि वे एक ही छत के नीचे रहते हैं। दे डू नॉट शेयर विच, फिर भी उनके विचार साझा नहीं होते, वे आपस में वार्तालाप नहीं करते। दिस पोम हाईलाइट्स द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन अ फादर एंड हिज सन। यह कविता एक पिता और उसके पुत्र के बीच मतभेद को उजागर करती है। द फादर इज ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ हिम, पिता उससे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इट सीम्स इम्पॉसिबल, लेकिन यह नामुमकिन लग रहा है। इट सीम्स देयर आर नो कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन देम, ऐसा लगता है कि उनके बीच कोई साझा हित नहीं है।